दोस्तों, इस श्रृंखला की हर कड़ी वास्तविक चरित्रों और उनके जीवन की घटनाओं पर आधारित है। इनमें ऐसे लोगों की कहानी है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसा कुछ किया कि उदाहरण बन गए। हमने उन वास्तविक चरित्रों के साथ साथ उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं को ड्रामा के रूप में पेश किया है। मैं भला कैसे नाच सकती हूँ? मेरे तो पैर लाचार हैं। तारामणि, मैं कैसे नाच सकती हूँ? तारामणि, मेरे तो पैर लाचार हैं। तारामणि, क्या बोल रही हो? किसने कहा तुम्हें नाचने के लिए? तुम भी बस पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। मैं तो ये चिट्ठी पढ़वाने आई थी तुमसे। जल्दी जल्दी पढ़ दो, सुबह से दो बार लौट चुकी हूँ मैं। तुम्हारे बाबूजी घर में थे ना, अभी उनको सड़क की ओर जाते देखा तो मैं जल्दी से आ गई। आप पढ़ दो, मुझसे और सब्र नहीं होता। अरे भाभी, क्यों इतनी बावली हो रही हो? वही सब तो लिखे होंगे। राधेश्याम भैया का भी जवाब नहीं। 15 दिन बीते नहीं कि फिर एक चिट्ठी। मुझे तो लगता है कि इन फौज वालों को कुछ काम ही नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कि इन फौजियों को मोर्चे पर भी अपनी लुगाइयों को साथ ही ले जाना चाहिए। हाँ हाँ, ताकि तुम्हें इनकी घरवालियों की चिट्ठी ना पढ़नी पड़े, है ना? चलो अब जल्दी से पढ़ दो ना, नहीं तो तुम्हारे बाबूजी आ जाएंगे। वो अभी नहीं आएंगे, वैसे भी बाबूजी तो झुंझुनू गए हैं, देर से लौटेंगे। कह रहे थे कि वहाँ पर किसानों की समस्या को लेकर कलेक्टर से बात करनी है। चलो पढ़ो ना। मेरी प्यारी रूपा, यहाँ मोर्चे पर हमेशा तुम्हारी यादों में खोया रहता हूँ। तुम्हारी इतनी याद आती है कि क्या कहूँ। घर से लौटे हुए 3 महीने हुए हैं, लेकिन लगता है 3 बरस हो गए। इस बीच मैंने 7 चिट्ठियां भेजी, लेकिन तुमने सिर्फ एक का ही जवाब दिया। पर भाभी, तुमने तो 2 चिट्ठियां लिखवाई थी ना? नहीं मिली होगी, ऐसा भी होता है क्या? क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। आगे पढ़ो ना। अच्छा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? शादी के बाद 2 महीना कैसे कटे थे, उसका एक एक पल मेरे मन में बसा हुआ है। घर से आने के बाद ख्यालों में बस वही सब घूमता रहता है। भाभी, इससे आगे अब हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। ये राधेश्याम भैया भी न मालूम कैसी कैसी बातें चिट्ठी में लिख देते हैं। बन्नो, ये सब बातें तुम नहीं समझोगी, आगे बढ़ो आगे। ठीक है, होली के समय
छुट्टी लेने की कोशिश करूंगा। अपना और माँ का ख्याल रखना। माँ को चरण स्पर्श और तुम्हें एक मीठा मीठा सा। क्या हुआ? छोड़ो भी, तुम भी। अरे भाभी, यही तो लिखा है इसमें। ये लो तारामणि, तुम हमारी चिट्ठियाँ लिखती भी हो, हमारे लिए चिट्ठियाँ पढ़ती भी हो, कभी कभार अपने लिए भी एक चिट्ठी लिख लिया करो। लिखती तो हूँ दीदी को। तुम जानती हो बन्नो, मैं दीदी की बात नहीं कर रही। मुझे मालूम है वहाँ से कोई चिट्ठी नहीं आती, लेकिन तुम भी तो एक चिट्ठी लिख सकती हो। अच्छा मैं चलती हूँ, घर में कितना काम पड़ा है और तुम मुझे बिठा लेती हो। बैठो बैठो बेटी बैठो। आजकल कहाँ रहते हैं तुम्हारे ससुर, दिखाई नहीं पड़ते? ओ हाँ, उनका तो ट्रांसफर हो गया ना, बेचारे को भी कहाँ भेज दिया गया रिटायरमेंट के वक्त। सरकारी कामकाज में बस यही एक मुसीबत है, जाने कब कहाँ जाना पड़े। बेटी राधेश्याम की चिट्ठी तो आती है ना? जी वही पढ़वाने आई थी। अच्छा तारामणि मैं चलती हूँ, मारा देखती होगी। बेचारी सास बहू दोनों की एक ही मुसीबत, दोनों की दोनों अनपढ़। चिट्ठी भी आई तो कोई और पढ़ने के लिए चाहिए। काश दो शब्द लिख पाती तो कम से कम अपने दिल की बात तो चिट्ठी में लिख देती। अब तो चिट्ठी भी किसी और से लिखवानी पड़ती है। गांव में 8वीं तक की स्कूल थी, वो 8वीं तक पढ़ी और उसमें और आगे नहीं पढ़ सकी, क्योंकि वो बस में जाने की दिक्कत थी, क्यों मेरे पैर नहीं है और वो मैं जूझनो भी पढ़ नहीं सकती। बेटी क्या देख रही थी? बापू कुछ भी तो नहीं। मैं जानता हूँ बेटी तुम्हारे दर्द को। रहने दो ना बापू, घर पे सब कैसे हैं, दीदी बच्चे वगैरह? सब अच्छे हैं। अब उनके बारे में नहीं पूछोगे? ये मेरी ही गलती थी, मैं ही दबाव में आ गया था, सोचा था सब ठीक ठाक हो जाएगा, दोनों बहन साथ रहोगी तो तुम्हारी देखभाल भी हो जाएगी, लेकिन अब लगता है कि गलती मेरी है। मुझे एक ही जगह पे दोनों की ब्याह नहीं करनी चाहिए थी। बापू मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ बेटी। मैं आप पिछले बातों को भूल जाइए, दोष मेरी तकदीर का है, वरना मैं अपाहिज नहीं होती। मनु
तारामणि के आठवीं क्लास पास करने के बाद में यहाँ कोई नज़दीकी स्कूल नहीं थी, इसलिए हमने ढूंढने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था, इसलिए तारामणि पढ़ नहीं पाई। वो पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक थी और वो हमारे संगठन की जो किताबें आती उसको बहुत अच्छी तरह से देखती, हर बार किताब आती उसको अच्छी तरह से डिबेट करती और उसको अच्छी तरह से पढ़ती। गया में 11 दलितों की हत्या, बेटी तुम्हारे लिए एक मैं किताब, ये रहा, ये लो, इसमें चंद्रशेखर के बारे में पूरी लेख छपी है। ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ बापू। एक बात पूछूं आपसे, उसे जेएनयू छोड़कर सिवान वापस जाने की जरूरत नहीं थी, इतना पढ़ा लिखा था, दिल्ली में ही कहीं ना कहीं कोई इसे अच्छी नौकरी मिल जाती, वहां ना जाता तो शायद उसकी हत्या भी ना होती। क्या गुजरी होगी उस माँ पर, इकलौता बेटा था। तुम नहीं समझोगे बेटी ये सब, जिसके दिल में गरीबों के प्रति दर्द होता है वही ये सब नहीं सोचते। सच कहूं तो उसने शिक्षा को सही अंजाम देने की कोशिश किया, गरीब और शोषितों को जगाने का प्रयास किया, लेकिन क्रूर व्यवस्था ने उसको पसंद नहीं किया, जालिमों ने उसे मरवा दिया। फिर भी बापू, इसमें चंद्रशेखर की नई कविता छपी है जिससे उसके सोच का पता चलता है। ये देखो, हम ठिठुर रहे हैं क्योंकि नहीं उड़ पाएंगे पैसा, गर्मी में काली चमड़ी ओढ़ रहे हैं कि नहीं है पैसों की छत, ऐसा ही किया था मनु ने हमारे पुरखों के साथ, कि हाथ में कुदाल लिए बीनते थे पकवा के फल, उनके पास भी नहीं था पैसा कि खा सकते उसे, और मैं उनको अर्ध देने वाला भयभीत हूँ पैसे से। अपने गांव की सड़क पर रिक्शा चलाती हुई फूली जंघाओं की नस और दंतहीन मुख में झांकता मेरा महानगरीय दंभ हुक से उठती है, बिना किसी श्रोता के मैं दुस्वप्न से गुजरते पागल की तरह चिंगारना चाहता हूँ कि कोई हमें बचा ले, लेकिन पैसे की माया मुझे बांधे है और मैं प्रेम के अर्थ शास्त्र को समझ कर भी गूंगा हूँ। इसे पढ़ो। तारामणि मैट्रिक के लिए बहुत ही रुचि रखती है और अब भी पढ़ रही है, और वो रुचि रखने के लिए प्राइवेट परीक्षा देने के लिए बहुत ही इच्छुक है। हमारे गांव में बहुत फौजी है, उसकी औरतें अनपढ़ है और चिट्ठी मेरे पास में पढ़वाती है, मन की बात मेरे से पूरी नहीं वो लिखवा सकती है। राम राम तारामणि। अरे राम राम भाभी, आओ बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ। घर पे सब ठीक है? हाँ। आज कैसे याद कर लिया हमें? एक चिट्ठी लिखवानी। अच्छा, लाओ लिख देते। बोलो। खेतों की बुआई हो चुकी है, हाँ। मुन्ना की तबीयत ठीक नहीं थी। की तबीयत ठीक नहीं थी। कंपाउंडर से दवा दिलवा दी है। से दवा दिला दी है। आगे तुम ही लिख दो, मैं क्या बोलूं। अरे भाभी, कुछ अपने बारे में भी तो लिखवाओ। एक खेत, बच्चा, गाय, भैंस, इन सब की खबर देने के लिए चिट्ठी भेजती हो क्या? अच्छा बोलो, तुम्हारे बारे में क्या लिखूं? और क्या लिखवाऊं, वो तो समझते ही हैं। एक साल हुआ उन्हें गए हुए, लिख दो कुछ भी। तुम क्या नहीं समझती मेरे दर्द को? कौन किसके दर्द को समझता है भाभी? मैं तो कभी कभी
अपने ही दर्द को नहीं समझ पाते। तारामणि की विदाई नहीं होगी क्या? क्या करेगा इस अपाहिज को ले जाकर? फिर फेरा क्यों किया? पहले ही सोचना था। वो तो पहले ही तय था किसी तरह अविवाहित रह जाने का कलंक हट जाए। विदाई तो बड़ी का ही होना है। अच्छा नहीं हुआ, बेचारी अपाहिज को सुहागन होने का सपना नहीं दिखाना चाहिए, इसका तो जीवन ही नरक हो गया। क्या हुआ बन्नो, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं भाभी। अच्छा आगे क्या लिखना है? अच्छा यहाँ बैठे हो, कब से ढूंढ रही हूँ। बन्नो मेरी भी एक चिट्ठी लिख दो। पहले मेरी चिट्ठी तो पूरी करने दो। कितना लिखवाओगी, क्या लिखवाओगी? भाभी तुम्हारी चिट्ठी बाद में लिखूं तो चलेगा? मेरा मन ठीक नहीं है। हाँ बहन, हमसे बात करते करते बेचारी का मन खराब हो गया, चलो चलते हैं। भाभी तुम खुद क्यों नहीं पढ़ना लिखना सीख लेते? किसी दूसरे से लिखाने पढ़ाने का झंझट ही नहीं रहेगा। हाय राम, इस उम्र में? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर हमें सिखाएगा कौन? अपने देवर से सीख ले, तारामणि भी तो सिखा सकती है। ये बेचारी क्या सिखाएगी, हमारी चिट्ठियां लिख पढ़ लेती है, यही बहुत है। ये बेचारी क्या सिखाएगी, हमारी चिट्ठियां लिख पढ़ लेती है, यही बहुत है। ये बेचारी क्या सिखाएगी, हमारी चिट्ठियां लिख पढ़ लेती है, यही बहुत है। सच कहूं तो उसने शिक्षा को सही अंजाम देने की कोशिश की, गरीब शोषितों को जगाने का प्रयास किया। मैं भी तो आठवीं पास हूं, क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? झुंझुनू जिले में साक्षरता शुरू हुई थी और अपने गांव में वह नाटक पहले हुआ था और मैं भी देखने गई थी। उसमें वह सारी वो साक्षरता के बारे में सारे गाने गाए थे और उसमें वह लड़कियां भी साक्षरता के बारे में कही थी। तो फिर ये हमारा प्रण किस लिए है? तो फिर ये हमारा प्रण किस लिए है? हमारे जिले को न साक्षर करे तो फिर ये हमारा प्रण किस लिए है? तो फिर ये हमारा प्रण किस लिए की तमन्ना कदर करना न जाने आ, वतन की तमन्ना कदर करना न जाने, गिरना तो जाने संभलना न जाने, वतन की। बेटी कहीं जा रही हो क्या? हाँ बापू, मैंने गांव की निरक्षर औरतों को पढ़ाने का फैसला किया है। क्या बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने, इससे तुम्हारे खालीपन को मकसद भी मिल जाएगा। हाँ बापू, मैं ये भी साबित करना चाहती हूँ कि मैं लाचार नहीं हूँ। शिक्षा का मकसद भी यही है, कहो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। नहीं बापू, मैंने खुद कई औरतों से बात कर ली है, अभी कृष्णा और रमा भाभी को भी समझाना है। अच्छा बापू मैं चलती हूँ। झूठे
गांव 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 पेड़ लगवाना पेड़ लगवाना जगह 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 पेड़ लगवाना पेड़ लगवाना पेड़ की कीमत कीमत जाना जाना पेड़ लगवाया इन धरती रामनी के पास पढ़कर मैंने बहुत कुछ खुशी हुई है और मैंने बहुत कुछ लाभ और फायदे हुए हैं क्योंकि मैं जब शहर बाजार जाती हूँ तो हिसाब किताब कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो मैं मेरा हिसाब कर लेती हूँ और बाहर की औरतों से बोलना भी मैंने सीख लिया है। चिट्ठी पढ़ लेता हूँ और लिख देती हूँ और अपने बच्चों का भी आँख सिखाती फायदा है। स्वामी यहाँ सब कुशल मंगल है। मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है अब तो बस घर और तुम्हारे ख्याल में ही दिन बीत रहे हैं। उस औरतों को मैं पढ़ा के वो बड़ी वो औरतों मेरे को बहुत धन्यवाद देती। वो कहती कि तुम और लड़की पढ़ी लिखी ही आपको नहीं पढ़ाई और मैं तुम मेरे को पढ़ाई बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे को चिट्ठी लिखने के लिए भी कहा है। चिट्ठी भी लिखी है उसी औरतों ने तो मेरे को बहुत आश्वासन देती है। मैं एक विकलांग लड़की हूँ कि वो उसी औरतों को घर जा जाकर भी पढ़ाती हूँ और मेरे पास पढ़ती हैं वो औरतें बहुत ही मेरे को धन्यवाद देती हैं। तारामणि ने सहयोग दिया उस बात को पूर्ण करने के लिए इसलिए खिवासर गाँव की जनता ने इस काम को बहुत सराहा तथा जो दूसरी महिलाएँ थीं उनके दिलो दिमाग में एक बात जागृत हुई कि यदि एक विकलांग महिला ही इतना काम कर सकती है तो अपन तो न जाने कितना काम कर सकते हैं। इसलिए महिलाओं ने अंतरात्मा में इस बात को बैठाया कि अपने को साक्षर होना है और फायदा हुआ और खिवासर ग्राम में 293 निरक्षर थे जो साक्षर हुए। खिवासर ग्राम की विकलांग युवती तारामणि जिसने साक्षरता के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया एक अच्छी स्वयं सेविका की भूमिका अदा की इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा आयोजित अलचिसर ग्राम में एक नवसाक्षर सम्मेलन में उसको आमंत्रित किया गया और शिक्षा सचिव महोदय और इस राज्य के शिक्षा मंत्री महोदय की उपस्थिति में उनको सम्मानित किया गया। जो कदम तुमने चले हैं जो राह तुमने दिखाए खुलने लगी है आज फिर बंद गली की खिड़कियाँ बंद गली की खिड़कियाँ